like a Hellcat. हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका KM गेमिंग जोन में। और आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। अब पिछली वीडियो अगर आपने माइनक्राफ्ट की देखी थी तो आपको याद होगा हमने नेदर पोर्टल सेट कर दिया था और इसके अंदर गए थे और क्या हालत हुई थी, दो बार मरे थे। तो आज हम जो करने वाले हैं, आज हम एक अंडरग्राउंड विलेज बनाने वाले हैं, तभी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ बनाने वाला हूँ मैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में आ जाता हूँ। तो गाइस मैं फर्स्ट पर्सन में आ गया हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ मैं जो बनाने वाला हूँ। एक मैंने टर्नल बनाई है, टर्नल यानी कि गुफा, ये रही छोटी थी। यहाँ पे हमारा फार्म था, वो फार्म मैंने हटा दिया है। फार्म मैं बनाऊँगा अब कहीं और, क्योंकि थोड़ा सा खुला कर रहा हूँ, आपको पता है ना एरिया, थोड़ा खुली जगह लेंगे हम, एकदम बिछा बिछा अच्छा नहीं लगेगा ना। तो अभी दिखाता हूँ आपको आगे, चल जल्दी से बंद करो इसको। घर की बाउंड्री भी बनाएंगे बढ़िया सी, अभी मतलब अभी नहीं बनाऊंगा जरूर। ये वही छोटी सी गुफा टाइप बनाई है मैंने एक एरिया। ये चेस्ट है जिसमें हमारा फार्म का सामान था सारा, दिखाता हूँ। इसमें कोबल स्टोन डर्ट वगैरह है, इसमें ये स्टोन पड़े हैं, इसके ब्रिक्स बनाऊंगा अभी। पहले अंदर चलता हूँ, ये देखो ये अंडरग्राउंड, यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही है नीचे। अब यहाँ से नीचे जाएंगे तो एकदम खुदाई कर रखी है यहाँ। ये देखो कितना बड़ा एरिया, जितना वो एक्सपी फार्म बनाया था ना, वो सारा यहीं से कोबल स्टोन लिया था मैंने। ये वही जगह है, तब मैं आता था यहाँ से पीछे से। अभी दिखाता हूँ वो जगह आपको, इस साइड से इधर से किधर से आता था मैं, खुद भूल गया, बंद कर दी थी शायद वो मैंने जगह। इसी साइड से आता था मैं, तो अभी यहाँ से हटाओ। लेकिन ये वाली जगह मैं यहाँ पे नहीं बनाऊँगा, जो ये वाला एरिया है ना, ये पूरा इस एरिया में बनाऊँगा मैं। इसको यहाँ से तोड़ो, अबे क्रीपर्स कौन होगा यार, इतनी सारी टॉर्च लगा रखी है फिर भी स्पाइडर। जो मैं दूसरा एक्सपी फार्म बना रखा है इधर, आ जा इसको एक बार मार के पीछे हो जाओ, दूसरी बार मारो पीछे हो जाओ, तीसरी बार मारो पीछे हो जाओ, मारा नहीं बेटा फट मत, तीसरी बार मारा ख़त्म है ना। एक क्रीपर को मारने का तरीका, एक तो छोड़ रहा है, इसको यहाँ लगा देता हूँ। तो हाँ मैं आज ना ये पूरा एरिया ठीक करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम अंडरग्राउंड विलेज बनाएंगे। ये वीडियो के शायद दो पार्ट बन जाएंगे है ना, तो अभी ज़्यादा देरी नहीं करते। यहाँ पे दो पिकैक्स हैं, एक की तो हेल्थ ख़त्म है क्योंकि काफ़ी सारा कोबल स्टोन तोड़ा था। पहले एक लेयर को ये ऊपर वाली तोड़नी है, एक लेयर नीचे वाली तोड़नी है। ये वाली जो लेयर है ना, ये भी तोड़ूंगा मैं। तो ज़्यादा देरी नहीं करते, काम स्टार्ट करते हैं तोड़ना। इस साइड का तो मैंने तोड़ दिया था, ये वाली साइड का अब इधर का रह रहा है। पहले मैं एरिया एक होल टाइप बराबर कर लेता हूँ जहाँ पे मेरे को बनाना है। ज़्यादा देरी नहीं, जल्दी से इसको तोड़ते हैं बस। तो गाइस मैंने अभी चार दीवारी बना दी है यहाँ पे स्टोन ब्रिक से, और नीचे का थोड़ा थोड़ा लगा भी दिया। स्टोन ब्रिक मेरा ख़त्म हो गया, अब एक लेयर मैं ऊपर की भी तोड़ूंगा, एक या नीचे की तोड़ूंगा। यहाँ पे पूरे ब्रिक्स ही ब्रिक्स लगाऊंगा। बाद में ये जब होल बन जाएगा फिर रूम बनाएंगे विलेजर के लिए, और विलेजर भी लेके आएंगे वो अगली वीडियो में। अभी मैं काम करता हूँ, यहाँ पे ऊपर की लेयर तोड़ता हूँ, नीचे की तोड़ के यहाँ ब्रिक्स लगाता हूँ, उसके बाद ही सीधे आपको दिखाऊंगा बाकी। चलते हैं पहले ब्रिक्स लेके आते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक होल तो बना दिया है और साथ में दो रूम भी बना दिए। अभी मेरे पास ब्रिक्स खत्म होकर वरना और बनाऊंगा, और ये जो जगह मैंने छोड़ी यहाँ पे ग्लास लगाऊंगा, ताकि यार विलेजर थोड़ा आपस में बातचीत कर पाए यार। एक उस भी यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, या दो दो बेड भी हॉस्पिटल लगा देंगे और इनके वर्किंग टेबल भी लगा देंगे। फिलहाल अभी स्टोन ब्रिक्स लेने चलता हूँ, यहाँ पे भी रूम बनाता हूँ पूरे यहाँ पे, और इस एरिया में मैं फार्म बनाने की सोच रहा हूँ, पोटैटो कैरेट और वीट फार्म। तो अभी जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं, पहले रूम्स बनाते हैं यार, बाहर लाइट हो रही है। पहले चलते हैं, ब्रिक्स लेके आता हूँ मैं, रूम बना लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और वीडियो में ज़्यादा लंबी करनी नहीं है। इस वीडियो में लग रही है मेहनत, और मेहनत तो हम करते हैं, इसको बंद करो। तो मैं एक काम करता हूँ, रूम बनाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे रूम भी बना लिए, और जो जो मेरे पास टेबल पड़ते, स्मोकर था, कार्टोग्राफी टेबल था, और स्टोन कटर वगैरह, वो रख दिया, बेड रख दिया। और यहाँ पे एक फार्म बना दिया मैंने, यहाँ इस साइड मैंने गाजर उगाई है, और इधर पोटैटो है। पोटैटो मेरे पास ज़्यादा नहीं, दो ही थे, तो उसको रख दिया है। ये छोटा सा फार्म है, यहाँ पे मैं गेट लगा दूंगा एक फेंस का, और ये दो कमरे हैं। इधर दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने ये रख दिया है स्मोकर, और बेड लगा दिया। बेड मेरे पास पड़े थे बहुत सारे, मैं पहले लेके आया था आयरन फार्म के लिए, पर वो मैंने बनाया नहीं, बनाएंगे क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत है। और ये है इधर कार्टोग्राफी टेबल, यहाँ टॉर्च लगानी है, अभी टॉर्च मैं और लेके आऊँगा, वो लगा दूंगा।
और इधर जो चार कमरे है इसमें सिर्फ बेड है, क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो गया। टेबल लेके आएंगे धीरे धीरे, और वो जो विलेज अब अगली वीडियो में हम जाएंगे वहाँ से लूट कर आएंगे। यहाँ पे भी बेड है, ठीक है, और दिखाता हूँ, इधर बेड है और इधर भी कुछ है साथ में बेड के साथ, नहीं सिर्फ बेड है। और जल्दी इस साइड मेरे पास, मैंने स्टोन कटर रख दिया बेड के साथ, और ये साथ में ये था, ये भी यहीं रख दिया। भाई ये वीडियो तो है खैर छोटी थी, पर बनाने में बहुत टाइम लग गया, तो अब इस वीडियो को बस हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। तो चलो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना और शेयर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी और ये छोटी सी टनल का रास्ता कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल लामा खड़े हैं इधर, तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, नमस्ते।